भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए पहलवान उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी चुप्पी साधे हुए हैं। इसे लेकर लगातार विपक्ष स्मृति ईरानी से सवाल कर रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी सीधे तौर पर इस मुद्दे पर बोलने से बचती नजर आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने स्मृति ईरानी से सवाल करते हुए उनका 22 अगस्त 2013 का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में स्मृति ईरानी बतौर विपक्षी सांसद राज्यसभा में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार पर सवाल उठा रही हैं, साथ ही बलात्कारियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रही हैं। मुझ जैसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती हूँ। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउस वाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। आज हर वो हिंदुस्तानी जो एमपी नहीं है वो पूछ रहा है क्या उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या उनको प्रिविलेज मिलेगा कि वो बेखौफ जी सकें इस देश में, कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित। यूपीए की चेयरपर्सन ने कहा था टाइम इज नाउ कम फॉर एक्शन, हमारी बात नहीं सुनते तो कम से कम सोनिया जी की सुन लीजिए। ये घटना 18 तारीख को सबके सामने आई, तब से लेकर आज तक सर ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन नहीं हुई, चाहे हम हो या फिर सीताराम येचुरी जी हो, सबने कहा है बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। हाँ मैं जानती हूं कि हमारे कोर्ट्स चोकड अप हैं, कि आज 13 जजेस पर मिलियन की जगह 50 जजेस पर मिलियन की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूं कि आज फोरेंसिक लैब्स के लिए हमने 2012-13 में मात्र 11 करोड़ का ही आर्थिक आवंटन किया है। मैं ये भी जानती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने बार बार कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में चलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम सब ने मिलकर केंद्र के माध्यम से कितनी सहायता भेजी, ये कितने प्रश्न हैं जिनके ऊपर चर्चा की जरूरत है, साथ ही उस अमेंडमेंट की जरूरत है जो ये खौफ कम से कम ये संदेश कम से कम दे पूरे देश को कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखेगा। सर अगर अगले 24 घंटे तक आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो फिर योर स्टैंड दैट यू आर अग्रीव्ड, यू आर पेन्ड नॉट ओनली एज अ पेरेंट बट एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर विल स्टैंड एक्सपोज टुडे एज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉरगेट दैट, एज अ मदर आई अपील टू यू प्लीज कॉल फॉर दैट मीटिंग सो दैट द इंडियन पॉलिटी इन अ यूनाइटेड वॉइस कैन टेल द पीपल ऑफ इंडिया दैट वी विल नॉट फेल यू। महिला सुरक्षा को लेकर सदन के अंदर कांग्रेस को घेरती स्मृति ईरानी का ये पुराना वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, ये 22 अगस्त 2013 का वक्तव्य है, तब स्मृति जी ने मौन व्रत नहीं लिया था और अब ये भी साफ है कि ट्वीट तो आप पढ़ती हैं मैडम, तो बेटियों के लिए चलिए आज फिर से न्याय मांगिए। आपको बता दें कि 23 अप्रैल से पहलवान जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे थे, लेकिन बीती 28 मई को दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को वहां से हटा दिया। ये वो दिन था जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। पहलवान जब नए संसद की तरफ कूच कर रहे थे तभी रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पहलवान और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच काफी झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने बजरंग पुलिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था, साथ ही पुलिस ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया। इसके बाद आई तारीख 30 मई, जब पहलवान गंगा में अपने मेडल बहाने गए थे। इनमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ कई और खिलाड़ी भी शामिल थे, लेकिन नरेश टिकैत ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इतने बवाल के बाद भी अब जब स्मृति ईरानी की ओर से पहलवानों के यौन शोषण पर कुछ नहीं कहा गया तो कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को घेरा है।